OTT सीजन 3 स्टार्ट हो गया है परसों से। गाइस इसमें ना शिवानी कुमारी भी गई है बिग बॉस OTT में। भाई हम तो शिवानी कुमारी को सपोर्ट करेंगे, मैं तो उसको भाई बहुत सपोर्ट करूंगी। ये देख लो 9:30 हो गए हैं और अभी तक सो रही हैं। भाई कितना सोना है आज, सुबह के 9:30 हो गए हैं, नाश्ते का टाइम हो गया है आज। मैंने व्लॉग स्टार्ट भी कर लिया नीचे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस प्राची उठाने आई थी, चलो आज पता नहीं मैं कैसे लेट हो गई। भाई प्राची ने आके एकदम कूलर पंखा बंद कर दिया, मुझे तो गर्मी लगने लगी। चलो भाई नीचे चलते हैं, ब्रश करेंगे। गाइस मेरे को जल्दी जल्दी से ब्रश करना पड़ेगा क्योंकि चाय बनाना ही बुआ, तो जल्दी से ब्रश करते हैं। तो गाइस मैंने ब्रश तो कर लिया, जल्दी से मुंह धोते हैं, उसके बाद नाश्ता लेने जाना है हमें। ब्रश करके और मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो चलो अब चलते हैं जल्दी से नाश्ता लेने। जल्दी जल्दी जल्दी, वरना चाय गाइस मेरे चक्कर में और चाय ठंडी हो गई, और चाय और ठंडी हो जाएगी अगर मैं लेट हो गई तो। अबे भाई चीज की दुकान पे आ गए हम, अबे जल्दी आ जा आंटी, वो नाश्ता दे दो हमें, एक टेढ़े मेढ़े, एक टेढ़े मेढ़े दे दो, 10-20-30 तो जाएगी, 30-40-50 है। तो गाइस हमने नाश्ता तो ले लिया है, पापा ने दिए थे 100 रुपये, 50 रुपये का नाश्ता आई है, 50 रुपये बच गए। जल्दी अब भाग के गाइस, चाय ठंडी हो गई आज तो मेरे चक्कर में। भाई लो भाई तुम्हारा नाश्ता आ गया। ये क्या खा रही हो, बहुत चने बंच लाया था, मैं सोचा चने ही खा लूं। बुआ की चाय खत्म हो गई। ओह तो गरम गरम चाय पी ली गाइस, बुआ ने तो चाय पी ली मेरी चाय। अब ये रखो मैं कितनी सारी चीजें लाई हूँ, ये प्राची का, ये मेरा। प्राची नमकीन दे रहे बुआ और मम्मी के लिए, नमकीन आ गई। लो एक बुआ की है एक मम्मी की। तो चलो गाइस मैं भी चाय पी लूँ वरना मेरी भी ठंडी हो जाएगी। गाइज हम सब ने नाश्ता तो कर लिया है, बाकी गाइज ये देखो बिग बॉस OTT सीजन 3 स्टार्ट हो गया है परसों से, तो हम बिग बॉस देख रहे थे। गाइज इसमें ना शिवानी कुमारी भी गई है बिग बॉस OTT में। भाई हम तो शिवानी कुमारी को सपोर्ट करेंगे, मैं तो उसको भाई बहुत सपोर्ट करूंगी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना आप लोग किस किस को सपोर्ट कर रहे हो। 10:30 बज गए हैं और वंश अभी तक नहीं आया, तो प्राची और मैं अब जा रहे हैं पौधों और पेड़ों में पानी डालने। चल दिए प्राची, क्योंकि वंश तो आया नहीं, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। बाकी गाइस आज का मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप आ रही है, हल्की सी छांव हो रही है। मम्मी हाँ? आज सुबह का मौसम कैसा था? सुबह का भी ऐसा था, गर्मी वाला, गर्मी हो रही है। गाइस परसों बहुत अच्छा मौसम था लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कल तो इतनी गर्मी, कल पता धूप नहीं निकली थी ना मम्मी, लेकिन गर्मी हो रही थी, पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी तो बर्तन धो रही है और बुआ बना रही है खाना, और प्राची और मैं जा रहे हैं पौधों में पानी डालने। गाइस वैसे तो वंश आता है लेकिन आज वंश बिजी है थोड़ा, इसलिए मैं ही आ गई पानी डालने। गाइस ये देखो कल मम्मी ने ना यहाँ पे ये करेले के बीज डाले थे लेकिन मम्मी ने सही से डाले नहीं, मिट्टी में गाड़े नहीं मम्मी ने। पौधों में पानी तो डाल के आ गई हूँ। गाइज ये देखो वंश भी आई है। गाइज आपको वंश में कुछ आज अलग लग रहा है? वंश ने भी ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन मैंने ध्यान दे दिया। ये देखो गाइज आज वंश ने लोअर में टॉयलेट कर रखा है। टॉयलेट नहीं कर रहा है, बर्फ है। नहीं गाइज वंश झूठ बोला, ये देखो पूरा लोअर गीला हो रखा है इसका, सिर्फ इतने हिस्से में देखो, बाकी पूरा सूखा है। नहीं बर्फ शेम बर्फ ला रहा था, वो गिरती बर्फ गोद में रख के ला रहा था। तो गाइस फाइनली मैं तो नहा के आ गई हूँ और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं,
मौसम देखो गाइस कैसा हो रहा है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। तो सुबह तो धूप निकल रही थी, अब धूप नहीं है लेकिन हवा भी नहीं चल रही है। गाइस आज का दिल्ली का तापमान देखो कितना है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी बताई है, आज 37 आज दिल्ली का तापमान है और बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी दिखा रहे हैं और धुंध रहेगी, बारिश की सिर्फ 10% वो है और नमी रहेगी 44%। हवा तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं गाइस, आज बिल्कुल हवा नहीं चलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी दिखा रहे हैं आज। गाइस मैंने तो खाना खा लिया और देखो गाइस आज फ़ोन में ना बिल्कुल नहीं बता रहे थे कि बारिश आएगी और अभी मैंने आपको बताया था कि हवा तो बिल्कुल ही नहीं चल रही थी लेकिन एकदम से बारिश होने लग गई। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो गाइस बूंदे पड़ दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। गाइस फाइनली बारिश देखने को मिल गई भाई, आज बिल्कुल बारिश का तो बिल्कुल चांस नहीं थे गाइस, हवा भी 10% दिखा रहे थे। और गाइस ये देखो वंश को देखो, सारे कपड़े उतार के आ गया भाई, मैं तो भीग जाऊंगी। मम्मी ने अब दोबारा चाय बनाई है और ये देखो बुआ सुबह की नमकीन मैं लेके आई थी लेकिन बुआ ने अपनी चाय जो थी वो फिनिश कर ली थी, तो बुआ शाम की चाय से खा रही हैं और अम्मा अलग खा रही हैं। अम्मा खा रही हैं जीरा और पापड़, प्राची खा रही है नमकीन और भाई भैया का तो अलग ही चल रहा है, चाय से केले कौन खाता है। हम सब ने चाय पी ली है भाई, आज मम्मी ने चाय इतनी मीठी कर दी थी ना, मुझे लग रहा है आज मम्मी ने ना 2 ढक्कन चाय में चीनी डाल दी थी, इतनी मीठी हो गई थी चाय। और अब मम्मी बना रही है खाना, तो देखते हैं आज मम्मी खाने में क्या बना रही है। तो मम्मी बना रही है अभी रोटी और आज गाइस ये देखो मम्मी ने आज सब्जी में क्या बनाया है। मम्मी क्या बनाया है ये? तोरी। तोरी गाइस आज मम्मी ने बनाई है सूखी वाली तोरी। तो गाइस ये देखो मम्मी ने ना इसमें मसाला कितना ज्यादा डाला है, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना मम्मी, इसको जब उसमें करोगी तो इसका तेल निकालोगी ना तेल। क्योंकि तेल ज्यादा हो गया है, तेल निकालो इसमें। देखो तेल कितना ज्यादा हो गया इसमें, ये देखो वो तो निकल जाएगा है ना, ये साइड में निकल जाएगा। बाकी गाइस खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना मम्मी, मम्मी पहली बार बनाया ये, पहले भी बना चुकी हो? पहले बना, कई बार बनाई है मैंने पहले भी। मम्मी इसकी रेसिपी बताओ। इसमें सब मैंने काट के डाला है। क्या क्या डाला है? लहसुन प्याज टमाटर, लहसुन प्याज टमाटर हाँ। हरी मिर्च बस, और मिर्च मसाले, मिर्च मसाले धनिया वगैरह सब। और अपना स्पेशल वाला मसाला डाला था, मैगी मसाला। हाँ हाँ गाइस ये देखो मम्मी ना हर सब्जी में मैगी मसाला जरूर डालती हैं, ये ही हमारी सब्जी का राज है। ये और एक मम्मी बता दो दूसरा, गरम मसाला और वो सूखी वाली मेथी, कस्तूरी मेथी है ना, कस्तूरी मेथी। मम्मी गर्मी तो लग रही होगी है ना, गर्मी लग रही होगी, खराब हो गई। मम्मी मैं सोच रही थी कि ना तुम्हारे लिए वो वाला फैन लेके आऊंगी, उसको ना गले में डाल लेते हैं और उसके ना आगे 2 पंखड़ी होती है, उसको मुंह पे लगा लेते हैं, मतलब मुंह के आगे कर लेते हैं, तो उससे ना मुंह पे ही लगती रहती है हवा। वो लिया बुआ और तुम्हारे लिए, वो खराब हो जाते हैं। नहीं सिर्फ बुआ, मैं तुम्हारे लिए फैन लेके आऊंगी। पकड़ेंगे कैसे, काम करेंगे? नहीं उसको पकड़ना नहीं है, उसको ना सिर्फ गले में डालना है, जैसे हेयर बैंड लगाते हैं बालों में ऐसे गले में डाल लो और उसकी ना पंखड़ियां आगे कर लो, सिर्फ मुंह पे हवा लगेगी। हाँ यार तो उसमें सेल लगते हैं, उसको चार्ज करना पड़ता है। क्या सेल होगी ना, एक दिन में बैटरी खराब हो जाएगी? नहीं होगी खराब, जब तक तुम किचन में रहोगे ना वो जब तक ही यूज करना। मुंह पे क्या करना, मशीन तो वैसे भी सब जगह पहुँचते हैं। हाँ ये तो है लेकिन मुंह पे हवा लगती रहती है, मम्मी थोड़ा ठीक लगता। वैसे गाइस ये देखो
किचन में पंखा तो लगा हुआ है लेकिन क्या करे, चला नहीं सकते, गैस बुझ जाएगी। गैस बंद हो जाती है ना, काम करते सफाई जब चलाते हैं। हाँ। गैस बंद होते ही चलाते। तो मैं लेके आऊंगी मम्मी वो, है ना, बेकार होते हैं वो। नहीं सही होते हैं, सही होते वो, जल्दी खराब हो जाते हैं, से चलते हैं, खराब हो जाते हैं। 7:30 बज गए और ये देखो अब हुआ है अंधेरा। मतलब गर्मी में तो भाई होता ही नहीं है जल्दी से अंधेरा, और सर्दी में तो 5:30-6 बजे तक अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हो गया है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पसीने आ रहे हैं, और बुआ मम्मी तो काम कर रहे हैं। बुआ मम्मी को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मम्मी रोटी बना रही है, और सुबह बुआ करती हैं किचन में काम, तो बुआ की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं देखूंगी इस बार मैं थर्सडे मार्केट जाऊंगी ना, तो वो थर्सडे मार्केट में ही देखा तो मैंने वो फ़ैन, तो अगर मिलेगा तो इस बार मैं ज़रूर लेके आऊंगी बुआ और मम्मी के लिए। जब तक बुआ और मम्मी किचन में रहेंगे ना, जब तक वो यूज़ कर लेंगे तो वो ठीक भी रहेगा। उससे ना क्या होता है, उससे ना फेस पर हवा लगेगी तो थोड़े पसीने नहीं आएंगे, तो और सही भी लगेगा। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो किचन में काम करना बहुत मुश्किल है, तो इस बार मैं पक्का लेके आऊँगी। तो गाइज अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।